Audio Jungle. कैसे मेंटेन किया जाता है, उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उनको कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे उनकी ऑडिटिंग्स होती है, तो ये मैं उसमें आपको चैनल्स में डिफरेंट वीडियोस में बताऊंगा। तो इसमें जो मेरा पहला जो मैंने पहला टॉपिक लिया है 5S, 5S में जो पहला टॉपिक मैंने लिया है उसमें दो पार्ट्स में मैं अपने 5S को डिवाइड कर रहा हूँ। उसमें जो मेरा पहला पार्ट है उसमें मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँगा 5S की, तो कैसे क्या होता है, क्या उसके टारगेट्स हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कैसे इंप्लीमेंट करना है, और हमारे 5S के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, उनके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में जो पार्ट टू की वीडियो होगी उसमें मैं आपको केस स्टडी लूँगा 5S की, कि 5S को कैसे मेंटेन करना है, क्या उसके हमारे लेआउट्स होते हैं 5S के, कैसे जोन वाइज हम डिवाइड करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ में, कैसे हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन करते हैं, ऑडिट्स कैसे करते हैं 5S की। तो ये सब मैं आपको आने वाली सेकेंड वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ और आपको मैं अपने आप को बहुत और भी अच्छे तरीके से प्रूव कर सकूँ और बता सकूँ कि क्या इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, कैसे एप्लीकेबल होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता लग जाए, और प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। तो आइए चलिए देखते हैं 5S के पार्ट वन में क्या क्या है। आइए चलो देख लेते हैं इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इसमें जो मेरा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ 5S, तो इसमें बेसिकली बताएंगे कि 5S होता क्या है। इसके बाद में व्हाई वी नीड 5S, हमें 5S की ज़रूरत क्यों होती है इंडस्ट्रीज़ में। तीसरा टॉपिक है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ 5S एलिमेंट, जो हमारे 5S के एलिमेंट्स हैं, 5 जैपनीज वर्ड हैं, वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है हाउ टू इम्प्लीमेंट 5S, तो हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं 5S को अपने विद इन द फैक्ट्री विद इन द इंडस्ट्री। और इसके बाद जो हमारे 5S है उससे हमें बेनिफिट क्या मिलते हैं, उससे क्या क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो हमारा 5S है उनमें हम क्या क्या टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो ये जो 5S का टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी डिमांड होता है इसका इंडस्ट्री में, तो इसको मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है पार्ट वन 5S मेथडोलॉजी में आपको मैं जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा 5S के बारे में, क्या होता है, क्या क्यों ज़रूरत होती है, क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या उनके टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके बाद में मैं एक केस स्टडी लूँगा पार्ट टू में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 5S का लेआउट कैसा होता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करना है, रेड टैग एनालिसिस कैसे की जाती है, क्लीनिंग चेक शीट, 5S की चेक शीट्स, ऑडिट्स वगैरह, और उसका रिवॉर्ड्स और जो रिकॉग्निशन होता है 5S जो कि 5S का एलिमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलो एक एक करके इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। जो कि सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ 5S, तो इसमें मैं बताऊंगा कि 5S एक्चुअली होता क्या है। तो जो 5S है जहाँ पर भी हम वर्क प्लेस जो भी हमारा काम करते हैं वो मेरा वर्क प्लेस होता है, तो वर्क प्लेस चाहे वो मैं वहाँ कोई भी मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे मैं वहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ या कोई सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, तो जो मेरा वर्क प्लेस है उसको साइंटिफिकली तरीके से मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, दैट इज़ 5S। एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पर, 5S इज ए सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पेस सो वर्क कैन बी परफॉर्म एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड सेफली। जो 5S है वो बेसिकली मेरा एक सिस्टम होता है जिसमें मैं अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज करता हूँ, जिससे मेरा जो वर्क होता है वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और सेफली पूरा हो सके। इसके बाद में जो मेरा टॉपिक है 5S का व्हाई वी नीड 5S, तो इसमें हमें ज़रूरत क्यों होती है अपनी इंडस्ट्री में 5S की, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग है टू इम्प्रूव प्रॉफिट्स, तो जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ में वो प्रोडक्ट्स रिलेटेड हम जो भी सेल करते हैं तो उनसे हमारा प्रॉफिट की
जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है 5S को इम्प्लीमेंट करने से अपने इंडस्ट्री में। इसके बाद में आर टू मोर इफिशियंट वर्क फोर्सेज, जो हमारे वर्क प्लेसेस हैं, वर्क फोर्सेस है, उसको इफिशियंटली हम पूरा कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें 5S की ज़रूरत होती है। टू सेफर वर्क प्लेस, जो हमारा वर्क प्लेस है उसको सेफ्टी पर्पज़ से सेफ करने के लिए, एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए 5S की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे क्वालिटी से रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं, इंटरनल आउटरनल जो हमारे डिफेक्ट्स होते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स होती है, उनको रिड्यूस करने के लिए और जो हमारे डिफेक्ट्स हैं उनको कम करने के लिए 5S की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में जो हमारा 5S जो होता है, उसमें हमारा बेटर कम्युनिकेशन होती है। तो उसमें जो कम्युनिकेशन है हमारी विद इन द डिपार्टमेंट और विद इन विद इन द हॉरिजेंटल डिप्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, तो हमारी जो कम्युनिकेशन होती है उसमें कहीं ना कहीं बेटर होती है 5S के जरिए। तो इसीलिए हमें 5S की ज़रूरत पड़ती है अपनी इंडस्ट्री में। तो आइए इसके बाद देख लेते हैं जो हमारे एलिमेंट्स हैं 5S के, वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें बेसिकली जो हमारे 5S के एलिमेंट होते हैं वो जैपनीज़ के 5 वर्ड्स होते हैं। 5 जैपनीज़ वर्ड से मिलकर 5S बना हुआ है, जिसमें हमारे सीरियल वाइज होते हैं सियरी, सिटोन, सीसो, सुकेत्सु और सित्सुके, जिसमें अलग अलग मीनिंग होता है। सियरी का मतलब होता है शॉर्टिंग करना, सितोन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, सीसो का मतलब होता है क्लीनिंग और शाइनिंग, सुकेत्सु का मतलब होता है स्टेनराइज करना, मानकीकरण करना, सुकेत्सु का मतलब होता है सस्टेन करना। तो एक एक करके इन एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इनमें क्या क्या होता है। तो आइए सबसे पहला एलिमेंट जो है शेयरी, शॉर्टिंग करना। इसमें हम क्या होता है, हमारा जो भी वर्क प्लेस है उस वर्किंग एरिया में हमारे जितने भी टूल्स, फर्नीचर, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, प्रोडक्ट जितने भी हैं, उनको हमें अननेसेसरी थिंग्स, नेसेसरी थिंग्स, जो ज़रूरत है, जो ज़रूरत नहीं है, उसी हिसाब से हम उनको शॉर्टिंग करना है। तो इसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं चीज़ों को, नॉट नीडेड एट ऑल अननेसेसरी थिंग्स, कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होंगी जो अननेसेसरी थिंग्स होंगी, उनको हमें एक्शन प्लान बनाना है। एक्शन प्लान बनाने के साथ ही उनको हमें जो भी उनका एक्शन प्लान में हमने डिफाइन किया हुआ है, आइदर हमें रिमूव करना है, स्टोर करना है, या हमें उसको स्क्रैप करना है, जो भी हमने एक्शन प्लान बनाया है उसी हिसाब से हम उस टूल या फर्नीचर, मटेरियल, इक्विपमेंट जो भी हमारा है उसको हम आगे फॉलो करते हैं। नीडेड बट नॉट नाउ, ज़रूरत है बट अभी नहीं है। नीडेड बट नॉट हेयर, ज़रूरत है बट वो किसी और वर्क स्टेशन का है। तो मुझे ऐसे सारे जितने भी मेरे टूल्स, फर्नीचर, मटेरियल, इक्विपमेंट और प्रोडक्ट होते हैं, मुझे उन्हें डिफाइन करना है और उनकी देखना है उनकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, उनको शॉर्ट आउट करना है। तो नीडेड बट नॉट सो मच क्वान्टिटी, ज़रूरत है बट इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में ज़रूरत नहीं है। और कुछ ऐसे भी हमारे टूल्स हो सकते हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद में जब जब हम इनको शॉर्टिंग कर ले, तो इसके बाद में हमें उनका एक्शन प्लान बनाना होता है कि जब हमने उनकी शॉर्टिंग की है तो हम उन्हें कंसीडर कर सकते हैं ऑप्शंस में, या तो वो किसी और डिपार्टमेंट के होंगे और किसी वर्क स्टेशंस के होंगे, तो हमें उस कंसर्न डिपार्टमेंट को उन मटेरियल्स को दे देना है, या फिर हमें जो भी हमारे अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, थ्रो अवे कर सकते हैं, या उनको हम बेच भी सकते हैं। जो हमारी एक्सेस इन्वेंट्री रखी हुई है, जैसे कि एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, हमारे जो क्वालिटी चेकिंग होती है, विजुअल चेकिंग, वहाँ पर सैंपल्स होते हैं, तो एक एक पार्ट के पांच पांच अच्छे सैंपल्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी इन्वेंट्री को बढ़ाते हैं। तो हमें उन जो हमारी इन्वेंट्री है उसको वहाँ पर, हमें एक की रिक्वायरमेंट है तो एक को रख के बाकी के चार पाँच जितने भी हमारे बचते हैं उनको हम स्टोरेज में रख सकते हैं। तो ये मेरा 1S के बारे में है। इसमें जो एक टेक्निक यूज़ की जाती है रेड टैग टैक्टिंग, तो इसमें विजुअल शॉर्टिंग, इसमें क्या होता है, एक रेड टैग होता है। रेड टैग क्या होता है, इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं अनवांटेड थिंग्स की, उसकी गिविन जो टाइम लिमिट है एक्शन प्लान का, कि क्या उसमें फर्दर एक्शन हमें लेना है, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, एक रेड टैग मैंने आपको दिखाया हुआ है जिसमें क्या है, कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन है, कौन सी उसकी क्वांटिटी है, क्या एक्शन प्लान लेना है, कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या उसकी टारगेट होगी और क्या उसका रिजल्ट हुआ, रिमार्क हुआ, या जो भी उसकी इफेक्टिविटी है, जो भी उस हम उसे चेक करेंगे, वो सब रेड टैग में हम लिख सकते हैं। ताकि हम रेड टैग जो होता है वो बेसिकली जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उस वर्क स्टेशंस के, वो देख सकें, विजुअली देख सकें कि हाँ ये मेरी अननेसेसरी थिंग्स है, इसका मुझे एक्शन प्लान लेना है, तो इसके लिए हम रेड टैग का यूज़ करते हैं।
उसके बाद में हमारा जो 2S है सिटोन, सेट इन ऑर्डर। तो जो बेसिकली हमारा सिटोन होता है वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो हर एक वस्तु है उसके लिए एक जगह होगी और हर एक जगह के लिए एक वस्तु होगी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक इंडस्ट्री का है, मोल्डिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल है। इसमें मोल्डिंग की टूल किट के जितने भी टूल्स यूज़ हो रहे हैं, रिंचेज हैं, एलन कीज हैं और प्लायर्स हैं, तो वो उनका एक आइडेंटिफिकेशन बनाया हुआ है, उनको एक ऑर्डरली में सेट किया हुआ है। और जो आप जो बगल में इमेज देख रहे हैं टोकन बोर्ड, इसका यूज़ क्या होता है इंडस्ट्री में, इसका यूज़ ये होता है कि मान लीजिए कोई भी हमारा एलन की है, तो इस एलन की में कोई भी हमारे एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत हुई 16 नंबर की एलन की, तो वो 16 नंबर की एलन की लेके जाएगा और उसका जो एम्प्लॉय कोड का जो टोकन होगा वो उसको उसी पोजिशन पर अपना रख के जाएगा, ताकि जो हमारा आगे आने वाला एम्प्लॉय हो, कोई भी और कहीं किसी भी वर्क स्टेशन का एम्प्लॉय अगर होता है तो उसमें उसको अगर वो चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी, उसको पता लगेगी कि इस एम्प्लॉय आईडी के पास में इस 16 नंबर की रेंज उसके पास में एलएन की है, तो वो जाके ले सकता है। और अपने जो सर्चिंग टाइम है कहीं ना कहीं उस टूल को ढूंढने का जो टाइम है कहीं ना कहीं वो कम होता है। तो ये इसका एक बेस्ट बेनिफिट होता है सो बोर्ड, शेडो बोर्ड का। तो इसके बाद में हम देख लेते हैं कि ऐसे सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम कर सकते हैं कि डिसाइड विच थिंग्स आर बिलोंग वेयर। इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ के लिए बिलोंग करती है, और देख सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है, डिसाइड हाउ दिस शुड बी पुट अवे, कहाँ पर रखनी है। और हम इंडेक्सिंग, लेबलिंग और मार्किंग के जरिए हम चीज़ों को फॉलो करा सकते हैं, हम रूल्स को फॉलो करा सकते हैं सभी इम्प्लॉयज से। तो हम ऐसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इंडस्ट्री में। तो आइए जान लेते हैं कि 2S के मेनली बेनिफिट्स हमें क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट्स है फास्टर रिट्रीवल ऑफ थिंग्स रिजल्ट इन एलिमिनेशन ऑफ सर्चिंग टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शेडो बोर्ड में टोकन बोर्ड लगाने से हम जो भी हमारे टूल्स होते हैं उनको ढूंढने में जो सर्चिंग टाइम होता है कहीं ना कहीं वो रिड्यूस होता है। तो हम जो हमारी चीज़ें हैं, हमारे जो टूल्स हैं, उनको फास्ट रिट्रीव कर सकते हैं, उनको जल्दी से ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। तो हमारी जो एबनॉर्मलिटीज़ की अपॉर्चुनिटी होती है उनको करेक्ट करने का हमें मौका मिलता है, क्योंकि इसमें जो विजिबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है सिस्टम की। और हम इसमें स्पेस सेविंग भी करते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के द्वारा, हम अपने जो हमारे स्पेस होता है वो भी हम सेव करते हैं। और इसमें इफ़िशेंसी ऑफ वर्क इम्प्रूव्स एज थिंग्स आर अवेलेबल व्हेन दे आर एक्चुअली नीडेड। जब मुझे चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो चीज़ मुझे अवेलेबल होगी। तो ये जो इफ़िशेंसी होती है वर्क इम्प्रूव्स की, वर्क करने की, वो इम्प्रूव होती है 2S के जरिए। तो इसके बाद में एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस का। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो हमारे कंप्यूटर है, सीपीयू है, और जो हमारा हेड गेज है, माइक्रोस्कोप है, उनका एक लोकेशन बनाया हुआ है, टैग लगाया हुआ है उनका, तो जिससे मुझे पता लग रहा है कि कहाँ पर मुझे माइक्रोस्कोप है, कहाँ पर मेरा हाइट मार्कर है, हाइट गेज है मेरा। तो इससे मुझे पता लगता है सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं मैं पता लगा लेता हूँ कि मेरी चीज़ जो है वो अपने प्लेस पर रखी हुई है और सभी के लिए अपना अपना प्लेस डिसाइडेड है। इसके बाद में जो थर्ड है इसका एलिमेंट है सीसो, इसका मतलब है क्लीनिंग और शाइनिंग। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे जो इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री में हमारे जो फ्लोर होता है, फ्लोर है, मशीन है, उसको हमें क्लीन रखना है। तो ये हमारा थर्ड एस से रिलेटेड है। तो क्लीन का मतलब नॉट ओनली क्लीनिंग करना नहीं है हमें उसको, हमें केवल उसको साफ़ नहीं करना है, उसका मतलब होता है कि हमें इंस्पेक्शन भी करना है। जैसे कि मैं किसी भी असेंबली लाइन पर अगर मुझे अगर थर्ड एस फॉलो करना है तो मुझे उसमें सबसे पहले इंस्पेक्शन करना होगा कि मेरी इंस्पेक्शन करने से क्या होगा, जो भी मेरे डैमेज होगा, प्रॉब्लम होगी, या मेरे को जिग्स या फिक्चर्स है वो डैमेज है, लूज़ है, उसमें प्रॉब्लम है, तो वो मैं जब उसका क्लीनिंग करूँगा विद इंस्पेक्शन के साथ में, तो मैं उसको पता लगा सकता हूँ कि वो कहाँ पर डैमेज है, क्या उस पर प्रॉब्लम्स है। इसके बाद में देख लेते हैं कि क्लीनिंग थर्ड एस के जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर मैं इंस्पेक्शन के साथ में क्लीनिंग करूँगा तो जो मेरे डिफेक्ट्स होंगे वो उनको मैं ईजिली डिटेक्ट कर सकता हूँ। कस्टमर का परसेप्शन बेटर होता है, कोई भी कस्टमर विजिट होती है तो कस्टमर को भी लगता है कि हाँ फ्लोर साफ है, मशीन असेंबली एरियाज जो भी हैं वो क्लियर हैं, शाइनिंग में है, तो एक अच्छा परसेप्शन जाता है कस्टमर पर। क्लीनिंग
क्रिएट्स अ बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर अगर हमारे आसपास का वर्क एनवायरनमेंट साफ होगा तो हमारा काम करने में भी मन लगेगा और एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा। एयर सफिशियंसी रिड्यूसेस एक्सीडेंट्स, तो अगर अगर हमारा फ्लोर क्लीन है, कोई भी उसमें ऑयलिंग वगैरह नहीं है, तो एक्सीडेंट्स के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और जो हमारा फोर्थ का जो फोर्थ एस है स्टैंडर्डाइजेशन, उसमें हमारा ये क्लीनिंग है वो हेल्प करता है हमें। इसके बाद में जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है सुकेत सु स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मानकीकरण। तो इसमें हमें क्या करना है, हमारा जो हमारा सिस्टम है उसको स्टैंडर्डाइज करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक भी एक इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, सीनियर इंजीनियर, इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर डिप्टी मैनेजर, बहुत होते हैं। तो उनकी अलग अलग सोच होती है। अगर वो अपने हिसाब से काम करेंगे तो हम अपने जो हमारा सिस्टम है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। जो हम वर्क इंस्ट्रक्शंस लगाते हैं, SOPs लगाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हम लगाते हैं अपनी असेंबली लाइन पर, तो उसी से हम स्टैंडर्डाइज करते हैं अपने सिस्टम को, अपने जो वर्किंग फ्लो है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो मेकिंग शॉर्ट सेट इन ऑर्डर एंड साइन ए हैबिट, जो हमारे 3S एलिमेंट्स हैं, 1S, 2S और 3S, शॉर्ट सेट इन ऑर्डर एंड साइन, जब हम उनको हैबिट में लाएंगे तो हम स्टैंडर्डाइज अपने आप को कर लेंगे, 4S को अपने आप अचीव कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेल्यूएटिंग सिस्टम। हम किसी भी इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलराइज बंदा कर सकते हैं, उसको फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की और उसको एवेल्यूएट करने की। इंटीग्रेटिंग दीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनटू रूटीन वर्क, रूटीन वर्क में भी हम उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंटीग्रेट कर सकते हैं। चेक हाउ वेल द सिस्टम इज़ वर्किंग एंड सस्टेनिंग इट्सेल्फ, तो हम रेगुलर टाइम में उस सिस्टम को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो कितना अच्छे से वर्क कर रहा है और सस्टेन कर रहा है अपने आप को। इसके बाद में जो मेरा फिफ्थ एस का एलिमेंट है सित्सुके, जिसको कि सस्टेन बोला जाता है। तो इसमें देख लेते हैं डिसिप्लिन, मेनली इसमें डिसिप्लिन होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो जो हमने फोर्थ एस किया है उस फोर्थ एस तक के जितने हमने 1S, 2S, 3S, 4S किया है उसको हमें सस्टेन करना है, उसको हमें कंसिस्टेंट में रखना है। तो इसमें हम एक्टिविटीज़ करते हैं अपने फिफ्थ एस प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए, उसको उसमें फोकस करने के लिए। आइए एक एक करके उनके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो है डेली मॉनिटरिंग हम करते हैं। डेली मॉनिटरिंग, जैसे कि हम जो अपनी चेक शीट्स बनाते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट लाइन वाइज स्टेशन वाइज जो हम चेक शीट्स बनाते हैं उससे हम सस्टेन करते हैं कि हम हमें क्या क्या हमारे चेक पॉइंट्स होते हैं उनको हमें चेक करना है बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, तो हम उसको सस्टेन करते हैं अपने सिस्टम को। इम्प्रूविंग ओनरशिप बाय एलोकेटिंग एरियाज, हमने एरियाज़ को एलोकेट कर दिया तो उससे हमारी ओनरशिप इम्प्रूव होती है। रेड टैंक कैंपेन चला के भी हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपने 5S प्रोग्राम को, उसको सस्टेन कर सकते हैं। कम्युनिकेटिंग कर सकते हैं, फिक्स पॉइंट पर फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं, विजुअली हम उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं जिससे हमारा सस्टेन कर सकते हैं सिस्टम को। कंटिन्यूस ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर 5S के डिफरेंट अपने एलिमेंट्स पर हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। प्रोडक्ट ऑडिट्स भी कर सकते हैं लेवल्स पर, ऑल लेवल्स पर हम अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की प्रोडक्ट ऑडिट्स भी कर सकते हैं। मोटिवेट थ्रू रिकॉग्निशन, हम उसको अवार्ड्स और फिफ्थ एस के एक चैंपियंस बनाए जाते हैं। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कैसे जोन लीडर जोन सब लीडर डिफाइन किए जाते हैं, कैसे 5S का लेआउट बनाया जाता है। जब उनका इवेल्यूएशन होता है, ऑडिट्स होती है, तो उसके बाद में उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं रिकॉग्निशन और अवार्ड्स के जरिए, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताता हूँ। इसके बाद में जो हमारा सिक्स्थ एस का एलिमेंट है वो सेफ्टी होता है कि हमारे जो भी इम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हमारे इम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं अपने किसी भी वर्क स्टेशन पर किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो सेफ होने चाहिए। तो ये हमारा सिक्स एस का एलिमेंट है। इसके बाद में देख लेते हैं कि जो हमारे 5S है उससे हमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली जो 5S होता है वो पूरा ओवरऑल बेनिफिट्स मिलता है हमें उससे पूरी इंडस्ट्रीज में, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉस्ट रिडक्शन से रिलेटेड हो, डिलीवरी से रिलेटेड हो, सेफ्टी से, मोटिवेशनल से, प्रोडक्शन से। हमें हर एक डिपार्टमेंट में अगर हम 5S को फॉलो करते हैं
एडमिन में, मैनेजमेंट में, तो हमें सभी पर वहाँ पर फिफ्थ एस के बेनिफिट्स मिलते हैं। आइए देख लेते हैं क्वालिटी में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। हमारे डिफेक्ट्स कम हो सकते हैं, रिजेक्शंस कम हो सकती हैं। डिफेक्ट्स कम होंगे, रिजेक्शन कम होंगी, तो हमारी सीओपी क्यू डिक्रीज होगी और हमारे जो कस्टमर कंप्लेंट है वो भी कहीं ना कहीं कम होंगे, तो एक अच्छा परसेप्शन जाएगा कस्टमर के पास में। हमारी क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी इम्प्रूव होगी। कॉस्ट में हम कैसे कमी कर सकते हैं, कॉस्ट में हम कमी कर सकते हैं, इसमें हमारे जो मटेरियल्स होते हैं जो उनकी मिनिमम कॉस्ट हम रख सकते हैं फिफ्थ एस के जरिए। एफिशिएंट एनर्जीज को यूज़ कर सकते हैं, उसके जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। डिलीवरी में हम क्या क्या बेनिफिट्स करते हैं, इसमें जो हमारा करेक्ट क्वांटिटी है वो हम डिलीवर करेंगे, ओटीडी ऑन टाइम डिलीवरी करेंगे, करेक्ट रेट पे करेंगे, तो ये हमारे मोस्टली बेनिफिट्स होते हैं फिफ्थ एस से। सेफ्टी में हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, हमारा जो सेफ्टी अगर हम शाइनिंग रखते हैं, स्टैंडर्डाइज रखते हैं अपने सिस्टम को, तो उससे जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं नहीं होता है और एक्सीडेंट्स होते हैं वो भी नहीं होते हैं, तो ये हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। मोटिवेशनल, फिफ्थ एस अगर हम सस्टेन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गुड वर्किंग एनवायरनमेंट बनता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, ऑनरशिप की जो क्वालिटी होती है लीडरशिप की वो भी उनमें जनरेट होती है, तो ये भी एक बेसिकली फिफ्थ एस का बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। इसके बाद में जो मेरा आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट ऑफ फाइव एस, तो इसमें हम क्या क्या टारगेट्स लेके चलते हैं, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए फिफ्थ एस को फॉलो करने में, तो इसमें बेसिकली जीरो चेंज ओवर, जीरो डिफेक्ट, जीरो वेस्ट, जीरो डिलेज, जीरो इंजरीज, जीरो ब्रेकडाउंस। तो जीरो चेंज ओवर्स मतलब है जो हमारे प्रोडक्ट के डाइवर्सिफिकेशन है उनको लीड करना है, उनको जीरो करना है। डिफेक्ट्स, उनको हायर क्वालिटी मेंटेन करना है। रिजेक्शंस और जो हमारी कंप्लेंट्स हैं उनको हमें बेसिकली कम करना है। वेस्ट लीडिंग टू द लोअर कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट है, जो वेस्टेज हम करते हैं, स्क्रैप जो हम करते हैं वो, उसमें हमें जो कॉस्ट है उसकी हमें कम करनी है। डिलेज, ऑन टाइम डिलीवरी करना है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के यहाँ पर, तो हमें जीरो डिलेज करना है। इंजरीज, जीरो इंजरीज रखना है, सेफली वर्क करना है, सेफ रखना है अपने एम्प्लॉयज़ को। और इसके बाद में जीरो ब्रेकडाउन, जो अगर हमारी जो मशीन है, असेंबली लाइन है, उस पर जो ब्रेकडाउन्स हो रहा है, उसमें जो ब्रेकडाउन होते हैं मशीनों में, उनको हमें अच्छे उनको रिड्यूस करना है और अपने मेंटेनेंस को बेटर करना है। तो ये मेरे आज का जो वीडियो है फिफ्थ एस की, फिफ्थ एस की पार्ट वन की, वो यहीं पर कंप्लीट होती है। इसके बाद में मैं आपको एक केस स्टडी लेके चलूँगा फिफ्थ एस की। पीपीटी मैंने एक बनाई है, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि उसमें फाइव एस जो होता है हमारा, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने आप है, उसको कैसे प्रैक्टिकलाइज किया जाता है, कैसे उसकी चेकशीट्स बनती हैं, कैसे हम जोन वाइज लेआउट बनाते हैं, जोन वाइज अपने लीडर सब लीडर कैसे हम उसमें डिफाइन करते हैं, कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन किया जाता है, कैसे उसकी चेकशीट्स बनाई जाती हैं, उसकी ऑडिट कैसे की जाती है फिफ्थ एस की। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पार्ट वन फिफ्थ एस का अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्वालिटी नॉलेज हब, और मुझे अपने फीडबैक दें ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं और अपने आप को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूं आपके सामने। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो आपको जल्दी से एक नोटिफिकेशन मिले कि हाँ मैंने कोई वीडियो अपलोड की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।